तो फाइनली गाइस जिस मूवी का हम सभी को वेट था वो मूवी आ ही गई है और जिसे आप सभी इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल को भी देखकर समझ ही गए होंगे। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड अपकमिंग ब्लॉकबस्टर मूवी गदर 2 के बारे में। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी, वेलकम बैक हमारे चैनल मूवी कास्ट में। तो जी हाँ गाइस, इस वीडियो में मैं आप सभी को गदर 2 मूवी की फुल अपडेट के साथ बताने वाला हूँ रिलीज डेट, फुल कास्ट, एक्टर, प्रोड्यूसर के अलावा बहुत कुछ इन्फो भी। तो गाइस इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट किए चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप सभी जानते हैं ये पार्ट गदर फ्रेंचाइज का सेकंड पार्ट होने वाला है और जिसे दुनिया भर के सिनेमा में 11 अगस्त 2023 को ऑफिशियली रिलीज किया जाएगा। तो अगर गाइस साथ में बात की जाए गदर मूवी के डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर के बारे में भी, तो इसे सबसे पहले ऑफिशियली डायरेक्ट किया है बॉलीवुड फेमस डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर अनिल शर्मा ने, जिन्होंने गदर 2 मूवी को ऑफिशियली डायरेक्ट करने के साथ इसे ऑफिशियली प्रोड्यूस भी किया है और जबकि मूवी के सभी डायलॉग और स्टोरी लाइन को ऑफिशियली राइट किया है बॉलीवुड फेमस राइटर शक्तिमान तलवार ने। और एंड में गाइस अब बात की जाती है गदर 2 मूवी की फुल स्टार कास्ट के बारे में, लेकिन गाइस इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और स्टार कास्ट में सबसे पहले आते हैं मूवी के मेन कैरेक्टर सनी देओल, जिन्हें कौन नहीं जानता। जैसे कि गाइस आप सभी जानते हैं सनी देओल हमें आज इस मूवी में तारा सिंह के रोल में नजर आने वाले हैं। सनी देओल बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एक फेमस एक्टर और प्रोड्यूसर हैं और जबकि ये इस वक्त 65 के भी हो चुके हैं। अमीषा पटेल जो कि ये हमें एज ए हीरोइन तारा सिंह की वाइफ सकीना के रोल में नजर आने वाली है। गाइस अमीषा पटेल भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की एक फेमस एक्ट्रेस और मॉडल है और इस वक्त इनकी एज 47 बताई जाती है। उत्कर्ष शर्मा जो कि ये हमें तारा सिंह और सकीना के सन जीते सिंह के रोल में नजर आने वाले हैं। गाइस उत्कर्ष शर्मा एक बॉलीवुड यंगस्ट एक्टर और मॉडल है और जबकि इन्हें पहली बार अपने फर्स्ट डेब्यूट में इसी मूवी के फर्स्ट पार्ट में देखा गया था। मनीष बाजपा जो कि ये इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री के फेमस एक्टर हैं और जबकि ये हमें आज इस मूवी में मेजर जनरल हामिद इकबाल के रोल में नजर आने वाले हैं। गौरव चोपड़ा जो कि ये भी इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं और जबकि ये हमें आज इस मूवी में लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र रावत के रोल में नजर आने वाले हैं। लव सिन्हा जो कि ये एक इंडियन टेलीविजन एक्टर और पॉलिटिशियन है। सिमरत कौर जो कि ये भी हमें एज ए हीरोइन मुस्कान के रोल में नजर आने वाली है। गाइस सिमरत एक साउथ इंडियन तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की एक फेमस एक्ट्रेस और मॉडल है और इस वक्त इनकी एज 26 बताई जाती है और जबकि इनका बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में इसी मूवी के साथ डेब्यूट भी होगा। मीर सावर रोहित चौधरी जो कि ये भी इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री से ही ताल्लुक रखते हैं। रूमी खान और एंड में स्टार कास्ट में आते हैं राकेश बेदी। तो अगर गाइस अगर आप सभी मूवीज और ड्रामा सीरियल में इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे चैनल मूवी कास्ट को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि गाइस मैं सिर्फ न्यू मूवीज और ड्रामा सीरियल की अपडेट्स पर ही वीडियो बनाता रहता हूँ।